जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज सेवंथ और एट्थ क्लास का प्लेइंग विथ नंबर पर एक एक्टिविटी लेते हैं हम। इसमें क्या करना होगा आपको, कुछ दो रंग की आप बटन्स ले लीजिए, 30-40 बटन प्रत्येक रंग की ले लीजिए। जैसे यहाँ हमने एक लाल रंग की और नीले रंग की बटन ली है, तो आप करीब करीब 40 की संख्या लीजिए। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी थी, हम ज़्यादा नहीं ड्रा कर सकते थे और करना भी नहीं, और सिर्फ दिखाने के लिए हमें आपको कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस तरह से आप बड़े बड़े नंबर्स तक के लेके, अधिक संख्या लेके आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं, और उसका एक पैटर्न कैसे जनरेट होता है ये आपको इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूँगा। आशा है आप इसको हमारे पूर्व वीडियो के समान ही इसको अपना पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इससे कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हम ये प्लेइंग विद द नंबर सम निकालना है हमें, 1+3+5+7+9, ये 1, 2, 3, 4, 5 पांच संख्या हमने आठ संख्या लिए। तो क्या आता है इसका, जब सम करके देखेंगे तो ये होता है 4, 1+3 कितना हो गया 4, 4+5 9 हो गया, 9+7 16 हो गया, 16+9 25 हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगे 1 तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1+2 दो, आपका 2/2 का एक स्क्वायर बनता है, तो क्या है 1+3 4 हुआ, तो 4 भी स्क्वायर नंबर है। 1+3+5 तो ये होगा 9, 9 भी 3 का स्क्वायर है, और प्लस अगर हम उसे 9 में 7 कर दें तो 16 आता है, तो वो भी 4 का स्क्वायर है, और ये 9 है हमारा, प्लस 9 करें तो 25, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से आते हैं। यहाँ देखिए हम अगर एक गोटी यहाँ से लेंगे, ये वाले बटन लेंगे, आप इसको यहाँ पर जमाएंगे तो ये क्या होगा, 1/1 का स्क्वायर। अब तीन ब्लू वालों को हमने अलग दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, आपको सेम भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये तीन हमने यहाँ एड की तो क्या होगा, 2/2 का एक स्क्वायर हो गया। तो 1+3 दो संख्या है, n की वैल्यू अगर हम मान लें n = 2 तो n × n हो गए, दो आड है नंबर ऑफ आड संख्या को हम n से दिखाएं। 1+ फिर क्या किया हमने, इसके बाद अगला एक वर्ग बनाना है तो उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ा, तो 3/3 का एक स्क्वायर बन गया। ये 3/3 तीन, ये बटन्स तीन रो है इसके और ये तीन कालम हो गए। इसी तरह चार का भी, चार में फिर क्या देखिए, अब यहाँ पे हमने 7 बटन जोड़ी है, यहाँ पे ये ब्लू वाली बटन को 7 को यहाँ पे इस तरह अरेंज किया है, जोड़ क्या है तो ये वो देखे 4/4 तो 4/4 16 सीधे डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से हमने 1+4 3 किया था, 3+ ये 5 किया, और 5 के बाद में हमने ये 7 8 किया, तो ये 7 8 किया। अब उसके बाद 9 8 का नेक्स्ट आठ नंबर क्या होगा, वो होगा 9, तो 9 हमने 8 किया, तो अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 5/5 का एक वर्ग बन गया, हमारा स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का 5 का स्क्वायर 5 × 5 5 स्क्वायर, और उसको क्या हो गया 25 वैल्यू। यहाँ पर भी आपने जोड़ के देखा था ये 25 होता है। इसको देख थोड़ा सा हम प्ले करके देखते, थोड़ा आर्डर में नहीं है, उसको आप बियर करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने कापी पेस्ट में की है तो वो थोड़ा सा आर्डर में नहीं आया है। आप देखिए इसको कैसे है, ये होता बीच बीच में मैं आपको
साइलेंट पॉज करके आपको और समझाने का प्रयत्न करूँगा। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गए हमारे दो, हमने लिख के रखे हैं, 5x5 का बनाना है। ये देखो, ये 4 का वो कंप्लीट हुआ, अब 5 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा। हाँ, ये हमारे ये इस तरह, इसको फिर से हम प्ले करें और फिर देखें। ये देखिए, एक ही लिया तो वन का स्क्वायर हो गया। अब हम थोड़ा प्ले करते हैं। अब देखिए, इस केस में हमारे वन और ये सेकंड हमने अरेंजमेंट किया, तो टू इधर हो गया, 2x2 4 हो गया। अब फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, अब हमारे क्या, ये तीसरी रो, हमने तीसरा ये वाला लाल बटन का हमने यहाँ अरेंज किया कि इसे एक 3x3 का एक वर्ग बन जाए। हम वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमने 1 ये 2 को ऐसे अरेंज किया, 3 को एस 3 थर्ड वाला जो है ना, थर्ड स्टेप में हमने कितने जोड़ा, 5। पहले स्टेप में 1 था, ये दूसरे उसमें 2x2, तो 2x2 4 हो गए। अब इसमें हमने 5 जोड़ा, 1+3+5, तो अब ये हो जाएगा हमारा 3x3। काउंट करो तो ये 9 आएगा आपका, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और चौथी हम एक और 4x4 का बना रहा है। ये हमने 4x4 का बना लिया। अब इसमें देखिए, ये कितना है, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, 4x4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग। तो हम आड नंबर जोड़ते जा रहे हैं, 1+3+5+7, और नेक्स्ट हमने ये कर दिया, ये जो ये इधर जो बटन एक्स्ट्रा रखी थी, हम ये दिखाने के था कि इसमें से उठा के हम यहाँ जमाते जा रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से एनिमेशन हो गया। हमने इस बार क्या किया, 9 जोड़ा, 1 जोड़ा था, फिर ये 3 को अरेंज किया, फिर 5 को अरेंज किया, फिर 7 को ऐसे अरेंज किया, फिर हमने 9 को अरेंज किया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 रो हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हो गए। और तो ये इधर भी देखिए, यहाँ से डायगोनल भी देखिए, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5। तो ये 5x5 का ये क्या हो गया, वर्ग बन गया हमारा, स्क्वायर बन गया। और ये स्क्वायर का हम ये जैसे हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं, शायद आपको स्क्रीन पे दिखे, ये हमारे क्या हो गया, ये इसी तरह से। अब अगर हमें 6 स्क्वायर बनाना है तो हमें कितनी बटन जोड़ना होगा, ये 9 तो जोड़ना ही होगा, 9 के यहाँ तक क्या जाएगी, हाँ आपके 9, और इधर में भी जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी, 5x5 जोड़ेंगे तो, मगर एक यहाँ और बटन रखनी होगी कार्नर में, तो हो जाएगी ये 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, और ये मिला के 10, और एक बटन और यहाँ पे रहेगी, हाँ एक जोड़ेंगे तो 11। तो नेक्स्ट नंबर इज आड नंबर कितना, 1 3 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, उसके बाद 11, तो 6 नंबर हो गए, तो 6 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर 10 नंबर होंगे यहाँ से, 10 रोज 10 कालम, हाँ तो हमको 10 आड नंबर लेने होंगे, 1+3+5 से लेके प्लस लास्ट नंबर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ। हाँ, आप कमेंट में लिखिए कि लास्ट नंबर इसमें 10 का स्क्वायर बनाने में हमें कितने आड नंबर को जोड़ना होगा। यहाँ देखिए, 5 आड नंबर को जोड़ा तो 5 का स्क्वायर हो गया है, 2 आड नंबर को जोड़ा तो 2 का स्क्वायर हो गया है। ये हिंट है आपके लिए, आप
स्वयं इसको करके देखिए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने मित्रों और शिक्षकों को इसके बारे में बताएंगे। और ये इस तरह का एक्टिविटी मेथड से आप इसको जब चाहे तब करके देख सकते हैं, इस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं और आपको जब समय मिले तब इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और जिसे किसी को समझाना है, क्लास में टीचर को समझाना है, तो टीचर इसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। हाँ, तो ये टीचर के लिए एक टूल हो गया, एक तरह से हम कहें कि एक डिवाइस हो गया। ये सेवन्थ और एट्थ क्लास में भी जो प्लेइंग विथ नंबर्स है तो उसमें बच्चे अगर फाइव वाले भी देखें तो उन्हें स्क्वायर वाली बात नहीं समझ आएगी, मगर ये फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन वाला, हाँ, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट शायद एट नाइन से आता है तो तब ये आएगा। मगर उनको ये अरेंज कर में दिखा कर खेल में गणित सीखने का एक आनंद आएगा। तो मेरी आशा है कि आपको ये पसंद आया हो और आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से गणित पढ़ें और गणित में पारंगत हो जाए। जय गुरुदेव, जय महर्षि।